आपने तो सब्जी काट ली है, लेकिन हम तो चावल बना रहे, हमारी नियत बदल चुकी थी। सब्जी फिर शाम के लिए बना दे, ये सब्जी को रख दे, शाम को बना देंगे। हाँ ठीक है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, रास्ते मुस्कुराते रहें। जी दोस्तों, एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज अम्मी ने कपड़े धोए, अम्मी आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, अम्मी सूख भी गए इतनी जल्दी, क्योंकि कभी कभी धूप तेज निकल आती है तो कभी छांव बन जाती है, इसलिए मैं कब सुबह से डाले हुए हैं, जो सूख गए तो फौरन उतारने चाहिए, क्योंकि धूप में ना इनका कलर जो है ना ख़राब हो जाता है। ये जो सूख गए तो उसको मैं उतार रही हूँ जल्दी जल्दी से। और अब्बू को जो है ना मैंने सब्जी दी है, मैंने कहा आप ये सब्जी के पास बैठे, आयत जो है ना उसको सारी सब्जी को फैला रही है, तो अभी चलती हूँ फिर सब्जी भी बनाती हूँ। यहाँ से कपड़े पहले उतार दूँ, ये लड़की जो है ना बहुत तंग करती है, मैं सब्जी बना रही हूँ अब्बू के साथ जो, और जो है ना ये जो है ना बहुत तंग कर रही है, कह रही है अब मुझे नहाना है, हवा भी चल रही है और बादल भी हैं, तो मैंने कहा रोज जो है ना दो तीन टाइम नहाती है, मैं इसको कह रही हूँ नहीं पहले सब्जी सारी फैला दिए, अब जो है ना ये जिद कर रही है, दाना क्या दाने, अच्छा नहीं लाती हूँ, अभी सब्र करो, अभी सब्र करो, थोड़ी सी सब्र करो, जल्दी जल्दी से पहले सब्जी बना लूँ। ये क्या है, ये क्या बना रही है? ये हैं खीर पेड़े। खीर पेड़े? हाँ जी। अच्छा ये ठंडी ठंडी सब्जी है, कद्दू शरीफ की तरह। अच्छा खाओगी? हाँ चुप, बोलती बंद हो गई है। पहली बार आपको अच्छा लगता है? पहली बार नाम सुना इसका। अच्छा चलो जब बनाऊंगी, पहले भी मैंने बनाया, आपने खाए तो थे, बहुत ही मजे। कब बनाए थे? पिछले गर्मियों बनाए? नहीं नहीं इस वक्त भी बना चुके हैं हम लोग। बना चुके? हाँ जी। अच्छा अम्मी यहाँ पर क्या कर रही है? ऐसा चावल धो रही है। चावल धो रही है? ये क्यों? मैंने कहा जल्दी से चावल बना लेते हैं, आलू वाला पुलाव। मैंने कहा कहीं वो खीर पेड़े में डाल रही है। मैं खीर पेड़े में नहीं डाल रही, इसको चावल को ना अच्छी तरह धो रही हूँ, जल्दी से बस चावल बना लेते हैं दोपहर का। हमारी जन नियत बदल गई, चावल अच्छे लगते हैं। हाँ दोपहर के टाइम वैसे खास तौर पर। तो अभी जो है ना हम चावल बना रहे हैं, चावल कौन से बना रहे हैं अम्मी, मुर्गी वाले या मछली वाले या आलू वाले? आलू वाले। अच्छा आलू वाले, मैं इतनी बड़ी बड़ी बोली जा रही थी, आलू वाले चावल है वो भी, चल को आपको दिखाती हूँ रेसिपी, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अम्मी, ठीक है? यहाँ पे हमारी सब्जी भी बिल्कुल तैयार हो गया, अभी सब्जी को भी साथ साथ धो लेती हूँ और चावलों के साथ साथ इसको भी डाल दूंगी, मसाले वगैरह बना के जल्दी से चढ़ा दूंगी, क्योंकि शाम का खाना भी हमारा फाइनल हो जाएगा, कि शाम को जो है ना हम लोगों ने शादी में भी जाना है, क्योंकि अबू और हम लोग चावल बहुत कम, मतलब अबू जो है ना चावल बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये सब्जी जो है ना चढ़ा दूँगी, ठंडी सब्जी है, खा खा के चावल और गोश्त जो है ना शादियों में, तो मैदा गर्मी हो गई, मैदा जो है ना गर्मी कर गया है अब हमारा, तो इसलिए आज हम लोगों ने ठंडी ठंडी सब्जी मंगवाई है। तो अम्मी हाँ। जो शादी है ना, हम हर व्लॉग में यही कहते हैं कि शादी पे जाना, शादी पे जाना, शादी है जो इतनी सारी शादी है, इतनी शादी है, इतनी शादी, जब रमजान का चांद नजर आएगा तो फिर बस ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक लग जाएगी, अभी शादियाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बस आखिरी शादी है आज। हाँ आज आखिरी शादी। तो दादा जान हमने तो सब्जी, आपने तो सब्जी काट ली है, लेकिन हम तो चावल बना रहे, हमारी नियत बदल चुकी थी, सब्जी फिर शाम के लिए बना दे, ये सब्जी को रख दे, शाम को बना देंगे। हाँ ठीक है फिर, ये ठीक है, सब्जी बना लेते हैं, फिर शाम के वापस आएंगे ना, फिर भूख लग रही होगी, अब्बू वैसे तो खा लेंगे, लेकिन जो बचा के रख लेंगे, फिर जब शाम को आएंगे रात को, फिर भूख लग रही होगी तो फिर खा लेंगे। जी चले अम्मी जी, सारे सब्जियां एक दफा डाल दी आपने? सब्जियां नहीं, सारे मसाले मैंने डाल दिए, ये तुरइयों की तरह हम लोग तुरइयों में भी ऐसे डालते हैं, सारे मसाले एक ही जगह पे डाल के और उसको छोड़ देते हैं, जब उसको पानी जो है ना सूख जाते तब उसको भून के और जो फिर उतार लेते हैं। आज मैंने जो है ना खीर पेड़े भी ऐसे ही बना लिया। और आ गई इधर, हफ्सा मेहंदी चेक करें, ये जिंदगी में पहली बार लगाई है मेहंदी, हफ्सा 10 साल की हो गई है अभी, इसने जब गया ना कल मेहंदी लगाई, 10 साल में कल मेहंदी लगाई, इतनी बड़ी होगी माशाल्लाह। मेहंदी लगाती नहीं हो, बस कजन उठाई बैठी, उस दिन जाना उठाई बैठी थी, मैं कल नींद आ रही थी, उसने मुझे पतली ऐसे टिक्के इतने गंदे बना लिए थे, फिर अम्मी ने मुझे ये, अम्मी ने अपने हाथों से मेहंदी लगाई है, कल लगाई। हाँ, हाँ, कल लगाई थी, कल मैंने लगाई थी इसको। कौन सी अच्छी है वो? ये कलर जो है ना इसका, आजकल जो मेहंदी आ रही है ना उसका कलर जो है ना कच्चा होता है, वो फौरन से जो है ना खत्म हो जाता है, तो आपने बताना है कि ये वाली मेहंदी अच्छी लग रही है या ये वाली मेहंदी अच्छी लग रही है। उठाते हैं चलते हैं।
इसको जो है ना हम धोते हैं चलकर। टूटी को खोलते हैं। हमारा पानी जो है ना चालू हो चुका है, अभी इसको धोते हैं जी। पहले रहीम टूटी को जो है ना बंद करते हैं और चलते हैं अपनी ये मिसाले उठा के और अम्मी को देते हैं। चलें जी यहाँ से उठा लेते हैं, चल के अम्मी को देते हैं। ये ले अम्मी, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, नीचे नहीं रखो। मिसाले हमारे जो है ना बन रहे हैं अभी, अम्मी खाने के लिए तैयार कर रही है। मैं इसको कढ़ाई को जो है ना चढ़ा देती हूँ। हाँ चढ़ा दें, चल घी जो है ना हमारा गर्म हो गई थी, अभी घी डाल देते। घी जो है ना अम्मी ने डाल दिया है, अभी हमारा घी जो है ना गर्म हो जाएगा, तब तक अम्मी जो है ना मिसाले बना लेती हूँ। हाँ साथ साथ इधर मसाले भी बना लेती हूँ। साई भी आ गए, छुप छुप कर, छुप छुप कर। चावल बना रही हूँ, खाओगे? कहाँ गए थे आप? बस खेला। अच्छा आयत, हाँ आपका डिफ्टी है कि आयत को संभालना है आपने, ठीक है? आयत अम्मी जब ये हंसता है मुझे इसके दांतों पर बहुत हंसी आती है। इधर तो देखे इसके दांत, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, कितना गंदा लगता है पता है? बता दो सैम, जो आप सैम बता। अभी मैं आई हूँ जी बाहर, आपको नज़र आ रहा होगा, और मैंने कितने पैसे लिए हैं ये मेरे हाथ में जी 20 रुपये के। मैंने लेना है अचार। अम्मी ने कहा है कि चावलों का जायका जो है ना टेस्ट बन जाएगा, वैसे भी मज़े का बनेगा लेकिन तुम अचार लेते हो थोड़ा ज़्यादा टेस्ट बन जाएगा। तो चलते हैं लेते हैं दुकान पर, दुकान से। चाचू वीदा अचार दो, चाचू वीदा अचार। ये जो है ना हमने अचार ले लिए 20 का, ये 10-10 के दो अचार आए हुए हैं, और चलते हैं अम्मी को देते हैं। मैं जैसे बाहर गई हूँ आयत मेरे पास भाग के आई। ये नहीं, ये वो अचार है, ये है, ये हूदी दवाई है, वो हम चावलों में डाल के खाएंगे, तुम्हें भी देंगे। अम्मी जी ये ले अचार ले आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे यहाँ पर आलू, इसको भी जोश आ गया, ये देखें। अच्छा हाँ, मसाला जो है ना हमारा बिल्कुल तैयार है, और मैंने आलू इसमें छोड़ दिए, अच्छे से भून लेंगे। और हफ्ता जो है ना यहाँ पे अचार ले आई है, अचार डालने से ना थोड़ा सा जायका जो है ना चेंज हो जाएगा हमारा। हाँ ये चिली मिली नहीं है, ये अचार है, ये हुआ, ये दवाई है, दवाई है, हुआ है। इसमें मैं डालूंगी ना तो जायका जो है ना बहुत जबरदस्त बन जाता है इसका। क्या ये समझ रही, चीनी मिली है केरी दो। यहाँ पर हम जो है ना दही भी ले आए हैं, और ये सुबह वाली भी दही बची हुई है, क्योंकि छोले के साथ हमने ये दही भी मंगवाई थी, और ये वाली भी दही है, पर ये चाचू और मैं ले आए थे चावलों के साथ, जो है ना बहुत मज़े की लगी। तो इन दोनों दहियों को जो है ना मिक्स करके बनाते हैं वो एक ये वाली। अच्छा अम्मी अलग अलग बनाएंगे? नहीं एक ही साथ बनाऊंगी। अच्छा एक ही साथ बनाऊंगी। मैं कह रही थी कि मेरी काले मर्चों वाली बना दे। अच्छा अच्छा, तो मैं इसमें चावल दाम पे डाल रख दूंगी ना। हाँ अच्छा, ये देखो कैसी लुक प्यारी सी आ रही आलू की, दिल चाहे बस ऐसे खा लो, छोड़ो चावल नहीं डालते इसमें हैं। ये देखो हरा धनिया मैंने छोड़ा, तो कैसी प्यारी प्यारी खुशबू भी प्यारी आ रही है, खुशबू सुन के साइन भी आ गया। हाँ साइन भी आ गया। और मैं इसमें जो है ना अलग अपनी काले मिर्चों वाली दही बनाऊंगी, और ये जो है ना कौन सी मिर्चों वाली दही बनाएंगे आप? अभी जो है ना हमारे अचार की बारी आ चुकी है, अभी हम ये अचार डाल रहे हैं। भी बहुत मजे का गाजर और आम का है, ये देखो बस एक ही काफी है, वरना सारा खटास ज्यादा ना हो जाए, तो बस एक ही मैं डाल रही हूँ, और एक को जो है ना मैं रख दूंगी, फिर काम आ जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है ना बिल्कुल दम पे आ चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये है अचार की डलिया, और ये उसकी है क्या कहते हैं उसको, आम की। अच्छा, ये गाजर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आम जो है ना वो नज़र आ रहा है।
माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि अचार डाला ना उससे ज्यादा खुशबू आना शुरू हो गई। अभी चूल्हा हल्का कर देते हैं, चावल जो है ना हमारे दम पे आ गए हैं और सालन भी उधर से मैंने जो है ना चढ़ा दिया है। और आयत को देखें यहाँ पे जलेबी खाई जा रही है। सही जलेबी, जलेबी खा रही हो? ये नहा के वापसी वही शर्ट पहन ली है और वही शलवार पहन ली। हाँ क्या हुआ? और दादा जान जो है ना वहाँ पे जोहर की नमाज अदा करने माशाल्लाह। क्या हुआ? हाँ अल्लाह पढ़ा है, अल्लाह पढ़ा है अब्बा। हाँ अब्बा अल्लाह पढ़ा है आपने? यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जमा करके रखे हैं और यहाँ पे चटाई भी मैंने बिछा दी। मैंने कहा सारे यहीं पे बैठ के खा लेंगे। और इसको देखो इसने सारे के सारे जो है ना उठा उठा के फेंक रही। आवाज आ रही थी, क्या हुआ? किसको कह रही? चुप हो जाओ। खा रहे हो? क्या खा रहे हो? अल्लाह ऐसे खाओगी आयत? ऐसे खाओगी आयत? ऐसे खाओगी आप? और साइम जो है ना इधर वो भी इंतजार कर रहे हैं। अभी बस लेके आ रही हूँ और जो है ना बस अभी दम को जो है ना 15 मिनट हो गए हैं दम को और जो है ना अभी ले आती हूँ। ये देखो इसको कैसे खा रही। सबसे पहले चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसकी लुक चेक करते हैं। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा आलू वाला पुलाव। अभी मैं इसमें चमचा कैसे चलाऊं क्योंकि कैमरा मैन जो है ना मेरी वो जो है ना बाहर चली गई है। और जो है ना मैंने कहा कि मैं आपको लुक दिखा दूं और अभी चमचा भी इसमें चलाती हूं और सालन में भी, ये देखिए सालन भी मेरा तैयार होने वाला है माशाल्लाह। ये आपको नज़र आ रहा होगा दादा जान आया है आयत के साथ मस्ती करने के लिए और जो है उनको कह रही है आप बैठे 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 खाना खा लें। वो देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें उसके कह रही चप्पल उतार के बैठे बाय बाय। हमारी जबान में कहते हैं बाय बाय। उनको उस पकड़ लिया उसको कभी, उसको कह रही है बैठे बैठे। तभी सबको बुलाते हैं और देते हैं खाना। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और जिस बहन भाई को खाना तो जल्दी से आ जाए, क्योंकि अचार की जो लुक होती है ना चावल डालने में बहुत ही मज़े की होती है। इसलिए मैंने जो है ना उसमें अचार डाला है। और आपने भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अचार जो है ना आप लोगों को अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है और गर्मियों में ख़ास तौर अच्छा लगता है। क्या हुआ आयत? क्या हुआ? दूधू ले आई हो? किसने दिया है दूधू? अभी कितना प्यारा सा क्यूट सा बीटर है, छोटा सा है। अच्छा बहुत है ये, मुझे लगता है चाची की बेटी का लेके आई। उसके खिलौने हैं ना तो वहाँ जाके खेलती है उसके साथ और जो है ये वहाँ से उठा के लाई है और वो भी इसके साथ खेलती रहती है सारा दिन माशाल्लाह। तो ये बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबने खा लिया। अभी जो समेटती हूँ बर्तन सारे, तो फिर बर्तन धोते हैं और आयत जो है ना सारे चावल फैला दिए इधर। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।